स्वर्गीय मनोज मंडावी के कुछ अधूरे काम थे उसको पूरा करने, आप कौन कौन से काम अधूरे थे और अब तक एक सालों में पूरा कर पाए हैं या बाकी है कुछ? वर्षों से भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग चल रही थी। उस कांग्रेस की सरकार आ गई तो भानुप्रतापपुर को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। कहाँ पे पे अंतागढ़ और जो भानुप्रतापपुर का दोनों जो अड़े हुए थे कि हमको हमको अंतागढ़ को बनाना है, इधर भानुप्रतापपुर को बनाना है, तो एक दूसरे के पेच में जो हुआ बीच में फंस के रह गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ दीपक गावड़े और हमारे साथ आज भानुप्रतापपुर विधानसभा के सावित्री मंडावी विधायक जी, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वे विख्यात थे, उसके बाद राजनीति में आए। कुछ क्षेत्रवासियों को सबको मेरी ओर से भी इस देव उठनी पर्व का बहुत बहुत सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई सभी को। जैसे कि आप विख्याता थे, आपके यहाँ अत्यंत दुख के साथ आपके पति स्वर्गीय मनोज मंडावी के देहांत के बाद आप उपचुनाव में टिकट मिला, उसके बाद आप चुनाव लड़ी, तो आपको पहले से ऊपर से आपको टिकट देने के बात हुई थी या अचानक से हुई? देखिए, अचानक इनके साथ ऐसी घटना हो गई और ऐसा मेरा कोई वो नहीं था कि चुनाव लड़ूं, पर परिस्थिति ऐसा बना कि अब चुनाव लड़ना पड़ा। और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी जाने के बाद उपचुनाव जो हुए उसमें भारी मतों से जनता का भरपूर सहयोग मिला और अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी और अपने क्षेत्र में जो चाहते थे क्षेत्रवासी उनको जो लाड प्यार देते थे, वही स्नेह और प्यार मेरे को भी अभी भी मिला है और बिल्कुल जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे कि चर्चा में चला था कि आप को टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी आप अपने विख्याता का जो पद है उसको रिजाइन दिए थे, क्या सच है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूरे जनता का या ना पूरे भानुप्रतापपुर क्षेत्रवासियों का वो था कि मैं चुनाव लड़ूं। फिर उसके बाद जब क्षेत्रवासी जनता पूरे चाह रहे थे कि मैं यहाँ से चुनाव उनकी जगह चुनाव मैं लड़ूं, तब फिर मैंने व्याख्याता पद से अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद ही चुनाव लड़ी मैं। जैसे कि आपको उपचुनाव के लिए टिकट कंफर्म हुआ, उसके बाद आप प्रचार प्रचार लोगों के पास गए, गांव गांव गए, तो कई जगह विरोध करने लगे, तो क्यों विरोध करने लगे? गलत फहमी था या कुछ बातें को लेकर? नहीं नहीं आप ये गलत फहमी आप लोगों की, मेरा इस क्षेत्र में कहीं भी विरोध नहीं था, बिल्कुल जनता को, जनता ही चाहती थी कि मैं इस चुनाव लड़ूं। कोई अपने अपने एक दो लोग हैं जो अपने कार्यकर्ता जो हैं वाकई में उन लोग भी टिकट उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हीं लोग का नाराजगी था, बाकी जनता से बिल्कुल नाराजगी नहीं था। न जनता ने इसको बहुत चाहती, स्नेह प्यार देती थी जनता इनको, तो कोई नाराजगी नहीं था दूसरों से। स्वर्गीय मनोज मंडावी जी यहाँ से सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक विधायक बने रहे और उसके बाद आपको टिकट मिला, आप भी उपचुनाव में उसको बरकरार रखे, और कितना प्यार मिला आपको इस एक साल के अंदर? बिल्कुल, उपचुनाव जो हुआ वाकई में जनता का स्नेह प्यार है, जो लोगों ने मुझे इतने रिकॉर्ड मतों से 21,173 जो वाकई बहुत रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाई, और वाकई में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी को चाहते ही थे, पर मैं भी इस क्षेत्र में लगातार उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी के आशीर्वाद से लगातार इस क्षेत्र में दौरा करी, लगातार मैं क्षेत्र का दौरा रहा, और अभी तो पूरा जनता जो यहाँ के भानुप्रतापपुर क्षेत्र की जनता का भरपूर उनका सहयोग और आशीर्वाद भरपूर मिल रहे हैं। कहती हैं कि स्वर्गीय मनोज मंडावी के कुछ अधूरे काम थे उसको पूरा करने, आप कौन कौन से काम अधूरे थे और अब तक एक सालों में पूरा कर पाए हैं या बाकी है कुछ? निश्चित, ये इतने सालों से राजनीति कर रहे थे तो मैं ये जो उनका मतलब भानुप्रतापपुर क्षेत्र है जो है, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी लगातार विकास के कार्य किए हैं और इतने विकास के कार्य किए हैं, वाकई में इन सब विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता खुश है, और बचा खुचा जो रहा था उसको भी मैंने इन 8 महीनों में कम्प्लीट किया है, और कुछ कुछ समस्या है वो समस्या भी जल्द अभी निराकरण, उसको भी समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा, पर बहुत कम जो समस्या बची है इस क्षेत्र में। वर्षों से भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग चल रही थी, उस समय भाजपा की सरकार थी, तो कहा जाता था कि स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा कि भेदभाव कुछ था तो जिला नहीं बन पाया, जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो भानुप्रतापपुर को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, कहाँ पे पेच फंसी है? बिल्कुल, इनका सपना था स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी का अपना भानुप्रतापपुर क्षेत्र को जिला बनाने का, बात पूरा सीएम साहब तक चला गई, सीएम साहब तो पूरा राजी थे, आप लोग ये अंतागढ़ और जो भानुप्रतापपुर का दोनों जो
अड़े हुए थे कि हमको हमको अंतागढ़ को बनाना है, इधर भानु प्रतापपुर को बनाना है, तो एक दूसरे के पेच में जो है बीच में फंस के रह गए। अभी भी तैयार थे हमारे सीएम साहब, आप लोग डिसाइड कर लो, जब आप लोग डिसाइड हो जाएगा तो उसी दिन इसको जिला घोषित कर दूंगा। वो आप अपने आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, इसी कारण जिला नहीं बन पाया। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के गौतम उइके हैं वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण थे? क्योंकि मैं चुनौती उनको नहीं मानती, क्योंकि गौतम उइके को ये खासकर चारामा क्षेत्र में कोई नहीं जानता और धड़ी साले तरफ से ही जानते हैं उनको, तो मैं उनको चुनौती नहीं मानती और आम आदमी पार्टी भी उनको भी चुनौती नहीं मानती, क्योंकि ये जो है हमेशा स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी क्षेत्र जब से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं तब से ये कांग्रेस का गढ़ है ये, तो कांग्रेस के जनता जो है यहाँ से मतदाता जो है भानु प्रतापपुर क्षेत्र के पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में है जी। आप उपचुनाव में 21,000 प्लस वोटों से जीती थी, इस बार उससे बढ़ा था या कम वोटों से आप जीत पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि सहयोग मिलता रहा है, अभी मेरे को लगता है जो हमारा 21,173 बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये थे हमारे साथ भानुप्रतापपुर विधानसभा के विधायक सावित्री मंडावी जी, काफ़ी व्यस्तता के कारण भी हमें कुछ समय दिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आप सबको भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ हमारा इंटरव्यू लिया, और बहुत बहुत बधाई तुम सबको भी, अभी जे उठने की बधाई, और निरंतर आगे बढ़ते रहो, आप लोग का चैनल बिल्कुल बढ़ता रहे ऐसे आगे, यही शुभकामनाओं के साथ। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपकी चुनाव में जीत हो, और अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उस चुनाव मतदान पेटी के अंदर से किसकी भविष्य और भाग्य खुलने वाली है देखने वाली बातें होगी। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे थे दीपक 750, और मेरे चैनल पर नए होते चैनल सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।